गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 16 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डी डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं, ये आपकी अ हाउस अ होम जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लुक एट द पिक्चर ऑफ द हाउस केयरफुली एंड रीड स्टैंजा 1 ऑफ द पोएम अ हाउस एंड अ होम। अब क्या बोलते हैं, यहाँ पे पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए और स्टेंजा 1 जो था उसको दोबारा से पढ़िए। तो यहाँ देखिए आपको कुछ चीज़ें दिखाई गई, जैसे कि इसे चिमनी कहा गया है, इसे ईव्स कहा गया है, जो एजर्ट्स होते हैं, कोने होते हैं रूफ के। और इसके बाद यहाँ पे आप ये दीवारों को देख पा रहे हैं, इसको स्टेको कहा जा रहा है, कि एक तरह का ये प्लास्टर होता है, वॉल्स को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये आपका यार्ड है, आगे का जो हिस्सा होता है जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसको यार्ड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको स्टेंजा दिया गया है, लिखा है व्हाट इज़ अ हाउस, एक घर क्या है। इट्स ब्रिक्स एंड स्टोन, ये किसका होता है, ईंटें और पत्थर का बना हुआ होता है। एंड वुड दैट्स हार्ड, और लकड़ी का बना होता है जो बहुत सख्त है। सम विंडो ग्लासेस, कुछ विंडो होती हैं जो ग्लास से बनी हुई होती हैं। एंड पेरहप्स अ यार्ड, और घर के आगे एक यार्ड होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, और इसकी क्या होती हैं, कोने होते हैं, चिमनी होती है। एंड टाइल्स फ्लोर, और जो फ्लोर्स होते हैं उसके ऊपर टाइल लगा होता है। एंड स्टुको एंड रूफ्स, और इसको आपको पता है जो ये ईव्स वगैरह हैं यही सब चीज़ें, कि भाई साइड का हिस्सा होता है, कॉर्नर्स बने हुए होते हैं, छत होती है, छत की कग्गर होती है। एंड लॉट ऑफ डोर्स, और इसमें बहुत सारे दरवाजे होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गई आपकी पोएम। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ स्टैंजा, ऊपर जो स्टैंजा आपने रीड करा है इसके बेस्ड पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। नंबर 1 क्या लिखा है, अ हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, तो क्या आ जाएगा, ये किससे बना हुआ होता है जल्दी से बताइए। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्टोन है, वुड्स, विंडो ग्लासेस। इसी तरह से नेक्स्ट क्या लिखा है, इट हैज़ ईव्स, तो ईव्स के साथ क्या हो जाएगा, चिमनी, फ्लोर्स, स्टिको, रूफ्स एंड डोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए तो एक काम करते हैं, ये सारे आंसर्स हम लोग देखते हैं जल्दी से। देखिए अब आप यहाँ लिख सकते हैं, ये सारे मैंने बना दिए, ब्रिक, स्टोन, वुड, विंडो ग्लासेस। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, ईव्स, चिमनी, स्टुको, रूफ एंड डोर्स कर लेंगे। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आई लव माई हाउस, मुझे अपना घर पसंद है, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ एंड। तो अब क्या है ये, आपका जो घर है स्मॉल है, छोटा है या बड़ा है, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत है, या गोल है, या एयरली एयरी है यानी हवादार है। तो देखिए भाई, मुझे मेरा घर इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो ये छोटा भी है और दूसरा ये खूबसूरत भी है ना। इट इज़ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, यानी छोटा है और खूबसूरत भी है। वैसे तो एयरली भी हवादार भी है, लेकिन देखिए शहरों के जो घर होते हैं वो इतने हवादार नहीं होते हैं, गाँव में ही होते हैं हवादार, के बड़े बड़े खिड़कियाँ लगी हुई हैं, है ना। तो अब मैंने क्या लिखा कि भाई मेरा घर तो बहुत छोटा सा है और लेकिन सुंदर बहुत है, क्योंकि भाई हमारी फैमिली रहती है, मम्मा पापा भाई सब रहते हैं, मैं रहती हूँ इस घर में, तो घर तो सुंदर कब होता है, जब सब लोग रह रहे हैं उसके अंदर, है ना। तो अब मैंने क्या लिखा, भाई मेरा घर छोटा है लेकिन सुंदर है। अब आपका घर क्या, आपका घर बड़ा है, तो आप लिखेंगे भाई मेरा घर बड़ा है। अगर गोल आकार का है तो लिख देंगे भाई राउंड है। हवादार है तो लिख देंगे भाई हवादार है। तो जो भी दो क्वालिटीज़ आपके घर के अंदर हैं उसे आप लोग लिख लग सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।